11 लाख रुपए भाई मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं जिसका भी जो भी सौदा हो। 3.5 लाख। 3.5 लाख इसके जोड़ी के। आपने कितने बोल दिए चाचा? मैंने 1,80,000 रुपए बोले। 1,80,000। तुम भी नहीं सुधरोगे? हाँ, तुमने भी आग लगा दी। अब्बा के टाइम से 80 साल पुराना काम है हमारा। पहले मेरठ में रहते, अब दिल्ली में आके शिफ्ट हुए हैं। 80 साल पुराना। हलीम जो है थोड़ी सी जली हुई है, धुएं की बहुत सारी खुशबू आ रही है। बिरयानी कम, पुलाव ज़्यादा है। ऐसे लग रहा है कि उबले हुए चावलों के अंदर यखनी वाला गोश्त मिला दिया। इस वक्त हूँ मैं पुरानी दिल्ली के मीना बाजार मार्केट में, जहाँ पे साल में एक बार बकराईद के टाइम पे जो है बकरा मंडी लगती है। मैं घर के लिए बकरे देखने आया था, तो सोचा आप लोगों को भी दिखाया जाए कि अभी बकरे किस टाइप के आए हुए हैं और थोड़ा बहुत क्या रेट चल रहा है। हमारी पुरानी दिल्ली में बकरे पालते हैं लोग घरों में, तो रोटी भी खिलाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी पिलाते हैं, बादाम भी खिलाते हैं, बहुत से तो गुटके भी खिलाते हैं बकरों को, पता है आपको? ना, वो गलत है, गुटका खिलाना गलत है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये हमारा बकरा भोले खाता है, वो वाला भोले। भोले क्या होता है? भांग। बताओ यार, मैंने बात देखो गलत नहीं बोली ना? मैंने बोला गुटका खाता है, आपने कहा भांग खाता है। ऐसा तो नहीं है कुर्बानी के बाद खाने वाले नशे में आ जाएंगे? पूरा भांग खाने वाले बकरे ही मिल जाएंगे कुर्बानी के बाद, कोई खा के जो है टुन ना हो जाए। चलिए 1,50,000। चलो भाई, चलो जोड़ी के। आपने कितने बोल दिए चाचा? मैंने 1,80,000 रुपए बोले। 1,80,000। पैसे तो बहुत आपके बिल्कुल जायज लगाए। अब माशाल्लाह लेने वाले पैसे लगाए, ये नहीं कि घूमने वाले इधर उधर के पैसे लगाए। लेने आए हाजी जी साथ में आए तो लेके जाएंगे इंशाल्लाह। ये नहीं देंगे और देगा। मांग क्या रहा? 1,10,000 रुपए। 1,10,000। 1,10,000 इसके। 1,10,000 रुपए तो 55,000 रुपए का। 1,10,000 मांगने को तो यार कुछ भी मांग लो, आपकी चीज है। ये जो आप जोड़ी देख रहे हो, इसके पहले 3,50,000 रुपए मांगे थे दोनों के, और बाद में 3,20,000 आए, 1,85,000 रुपए इनके लग गए। और पार्टी पैसे लेके खड़ी है अगर सौदा जाता है। जोड़ी बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। जैसे जैसे बकराई पहली बार की और यहाँ पे लगती है बकरा मंडी, तो मैं भी अपने घर के लिए बकरे देखने आया था, सोचा आपको भी दिखाया जाए। ब्लैक कलर का बकरा है और वाइट कलर से अल्लाह लिखा हुआ है। मैं अभी ध्यान से खुद भी देखने की कोशिश करता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। क्या मांग रहे हैं भाई जान इसका? तो भाई साहब 11 लाख। 11 लाख रुपए, क्या बात है। ये भाई अमृतसर से आए हैं और ये जो बकरा आप देख रहे हैं इसकी कीमत है 11 लाख रुपए। 11 लाख रुपए भाई मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं जिसका भी जो भी सौदा हो। भाई बरबरे हैं, तोता परी हैं, दोनों नस्ल है हमारे पास। इसका क्या रेट है? इन दोनों के 3.5 लाख। 3.5 लाख रुपए जोड़े के जी। सही है। 1,60,000। 1,60,000। और इसके ये जो चौड़ा सा बेटा, 3.5 लाख। 3.5 लाख का है जी। इसी टाइप के खाने यहाँ पे बिकते हैं, जैसे कि आप ये भाई साहब ये क्या लगा हुआ है? कलेजी है ये? तिल्ली है। तिल्ली। तिल्ली है जी। बड़े की? हाँ। एक प्लेट कितने की है? 20 रुपए की। 20 रुपए की। सही है। तो ये भुनी हुई है, मसाला वगैरह लगा के रखते हैं इसके अंदर? हाँ। सही है। और ये कोयलों के ऊपर सेकते रहते हो आप इसे? हाँ। गर्म होती है? गर्म होती रहती है। गर्मा गर्म देते हो? थोड़ी चला के तो दिखाओ। बहुत टेस्टी है भाई। बहुत टेस्टी है। हाँ, बहुत। अच्छा, सही है, बढ़िया है। सही है। तो एक प्लेट कितने की देते हो? 20 की। 20 रुपए की। सही है जी। देखो मुनासिब रेट है। कितने सालों से लगा रहे हो? वह तकरीबन 42 साल। आपकी उम्र तो इतनी नहीं है यार। कीमे की गोलियां आप देख रहे हो, भाई के पास ढेर सारा कीमा है हाथ में और ये इस कढ़ाई के अंदर डाल रहे हैं। तेल भी साफ सुथरा लग रहा है भाई के पास। कीमे की गोली तो नहीं बोलेंगे, कोफ्ते से थोड़ी सी छोटी रखी हुई है बस आपने। आराम से खाने में आ जाती है, सिक जाती है बढ़िया। सही है, मुझे लगता है इतनी बड़ी सिक नहीं पाती होगी ठीक से। सिक जाती है। कितने साल से लगा रहे हैं यहाँ पे? 16 साल हो गए भाई। 16 साल हो गए माशाल्लाह। आमदनी कहाँ है माशाल्लाह, पहले इलाके में लगा देता। तो कीमे का कबाब, कीमे की गोली, कीमे का कोफ्ता, कुछ भी कह दो, ऊपर से थोड़ी क्रिस्पी है और अंदर से कीमे का अच्छा मजा आ रहा है। मेरा नाम मोहम्मद अखलाक है। हमारे यहाँ हलीम और बिरयानी 70 रुपए की प्लेट है। ये हमारे अब्बा का काम है, 80 साल पुराना। ये हलीम होता है और दलीम 40 रुपए का प्लेट है। खाली बिरयानी 50 रुपए की। हमारे यहाँ लोग शौक से आके मांगते हैं। जीप की बूटी चाहिए, कल्ले की बूटी चाहिए, तालू की बूटी चाहिए, खीरी की बूटी मांगते हैं। वाह जी वाह। देखो जी, ये है मीना बाजार की
हलीम बिरयानी पुरानी दिल्ली की। भाई देखिए 70 रुपए की हलीम बिरयानी की प्लेट है, 80 साल से यहाँ पे लगा रहे हैं। ज़्यादातर यहाँ से खाने के जो स्टॉल हैं ख़त्म हो गए हैं, सब पे कपड़े या बैग पर्स यही चीज़ें मिल रही हैं। हलीम बिरयानी का टेस्ट बताऊँ तो बहुत सोसो है, बस ठीक ठीक है। हाँ, हलीम जो है थोड़ी सी जली हुई है, धुएँ की बहुत सारी खुशबू आ रही है और खीरी की और ज़बान की है। खीरी मैं वैसे भी नहीं खाता हूँ। और बिरयानी जो है बिरयानी कम पुलाव ज़्यादा है, जैसे लग रहा है कि उबले हुए चावलों के अंदर यखनी वाला गोश्त मिला दिया हो। असल में ये जो मीना बाज़ार की मार्केट है, यहाँ का जो फुटफॉल है वो राहगीरों के लिए है। लोग दूर दूर से घूमने आते हैं तो लगे हाथ खाते हैं, जो यहाँ पे एक बार खा के जाता है वो बहुत कमी से दोबारा आता है, तो इन्हें टेस्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसा है बस चल रहा है। चलिए हम भी एक बाइट लेते हैं और आगे चलते हैं। यहाँ चाचा बेच रहे हैं दही बड़े, इन्होंने दही बड़े लगा रखे हैं, जो ये आप देख रहे हैं पतली सी इसमें दही डली होती है। ऐसा नहीं है कि पतली इन्हीं के पास है, ये जो दही बड़े हैं ये इसी पतली दही के अंदर बिकते हैं, नहीं चाचा सही कह रहा हूँ ना मैं? और यही मसाला होता है सबके पास और नमक और चटनी होती है। तो कितने की एक प्लेट है ये? 40 रुपए की प्लेट है। जब हम छोटे छोटे से थे ये मीना बाज़ार की सारी सीढ़ियों पे, आज जो दुकानें हैं पर्स की, नेकलेस की, बुरकों की और बैग्स की, यहाँ पे सिर्फ टिक्का, कुल्फ़ी, दही बड़े और हलीम बिरयानी ही मिलती थी, जहाँ पे आज ये सारी चीज़ें, सही कह रहा हूँ ना? तो ये एक पहचान है मीना बाज़ार की। इन चचा को आप देख लो, दही बड़े वालों को खाएंगे नहीं, हम सिर्फ दिखा रहे हैं आपको। 40 रुपए की प्लेट है। ये रबड़ी मलाई है, सही है। ये शाही खीर है, ये शाही खीर है, खुद ही बनाते हैं आप? अच्छा अच्छा, ये लस्सी है, सही है। भाई ने बताया कि 1984 से ये ठिया लगा हुआ है और ये सारी चीज़ें बेचते हैं। एक बाइट ले लेते हैं भाई। रबड़ी तो अच्छी है, लेकिन जो आपने ऊपर से एक करारा सा मलाई का टुकड़ा डाला ना, उसने और मज़ा बांध दिया इसके अंदर। ये एक पत्ता कितने का रहता है? 40 रुपए का, काफ़ी मुनासिब रेट है। अब्दुल गनी कुरेशी कबाब भी खुल गया है जामा मस्जिद उर्दू मार्केट में, तो कुरेशी कबाब है ही। मैंने कहा एक बार क्लियर कर लूँ, मीना बाज़ार के अंदर भी गुड्डू भाई की दुकान है, तो ये क्लियर है उन्हीं की है भाई। फोटो भी लगी हुई है सारी, तुम भी नहीं सुधरोगे। हाँ, तुमने भी आग लगा दी। ये कुरेशी कबाब ने ना पूरी दिल्ली के लोगों को जो है आग लगाना सिखा दिया है। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है कबाब सेके जा रहे हैं। ये मटन है या चिकन है जो साथ में रखा हुआ है? तो देखिए मैं हूँ मीना बाज़ार में कुरेशी कबाब के ऊपर, और ये जो है चिकन का कबाब है, इसका रेट 50 रुपये है। बीच में जो है बफलो का कबाब है बड़े का, 40 रुपये रेट है। और ये जो है साइड में ये मटन का कबाब है, इसका 60 रुपये रेट है। ये देखो जी, मैं आपको मसाला दिखाऊं। तो देखिए ये है मटन का कबाब, बिस्मिल्लाह। जो कुरेशी कबाब का टेस्ट होता है वही टेस्ट है, क्योंकि गोश्त मटेरियल सारा एक ही साइड से इनका बन के आता है, बाकी मसाले वसाले सब ठीक है। और 60 रुपये का मटन का कबाब। ये है चिकन का कबाब। चिकन के कबाब में एक चीज़ अच्छी है, जैसे हम दूसरी साइडों पे देखते हैं काफ़ी हार्ड हो जाता है, सूखा सूखा हो जाता है, ये थोड़ा जूसी है और सेका भी अच्छा है। हरी मिर्चें, लहसुन और अदरक इसके अंदर ढेर सारी दिख रही है। चिकन का कबाब काफ़ी अच्छा है और पूरा जूसी है, ऐसा नहीं खाने में रूखा लग रहा हो या मज़ा ना आ रहा। अदरक कुटी हुई आ रही है, हरी मिर्चें कुटी हुई आ रही हैं और गरम मसाले हैं इसके अंदर, अच्छा टेस्ट है। बफ फ्राई कर लेते हैं, ये देखिए। अच्छा, गोश्त का डिफरेंस मैं आपको दोनों का दिखा दूं। दोनों का डिफरेंस आपको पता लग रहा होगा, ये बफ का है और ये मटन का है। और ऐसे ही खोल के दिखाऊं तो ये ज़्यादा वाइट होगा, ये चिकन का है। जो लोग कबाब खाते हैं उन्हें बड़े के कबाबों की अहमियत पता होगी कि बड़े के कबाबों का टेस्ट कैसा होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम आए थे यहाँ पे बकरा लेने, बकरा मंडी में बकराईद का टाइम था, सोचा आपको दिखाया जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बढ़िया लग रहा है मैजन कबाब? माशाल्लाह बहुत बढ़िया है। चल, बहुत टेस्टी है। बहुत टेस्टी है।